नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने आया हूँ लाइफस्टाइल के बारे में। क्योंकि आज 20 तारीख हो चुकी, कल 31 से 31st नाइट, और उसके बाद लग जाएगा 2023 नया साल। तो मैं आपसे बात करने आया हूँ लाइफस्टाइल के बारे में। कई लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं हो पा रही है। दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य, इनकम सही नहीं हो पा रहा है, हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे विचार कई बार आते हैं, कई लोगों का दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, कई लोग बहुत सारे मामलों में अटक जाते हैं। कोई हेवी वर्क ले लिया है और उसमें अटक गए, उनका दिमाग ही काम नहीं करता। तो लाइफ स्टाइल किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से चलाएं, इस बारे में हमारे पास पहले से ही बहुत सारी जानकारियां हैं। कई लोग कई उदाहरण देते हैं, कई बातें बताते हैं, परंतु सबकी लाइफ में एक जैसा तरीका अप्लाई हो ही जाएगा, इस बात पे कोई गारंटी नहीं होती। तो अपन अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बनाएं, तो इसका सबसे आसान रास्ता और आसान जवाब मैंने ये सोचा, प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है, अपनी परिस्थिति, अपने समय, अपने साधनों के हिसाब से। उसमें कोई किसी के लिए ये नहीं कह सकता कि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी इसलिए है क्योंकि आपके पास ये सब था, और आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी इसलिए है क्योंकि आपके पास ये चीज़ें नहीं। सबके पास अपना स्वयं का शरीर है। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो सिर्फ स्वयं का शरीर लेकर के पैदा होता है। मन, आत्मा, बुद्धि वो एक अलग मामला है, परंतु अगर भौतिक रूप से अपन लाइफ स्टाइल की बात करें तो शरीर लेके पैदा होता है, तो उसी शरीर से अपन को सारे के सारे कार्य करने होते हैं। इनकम करनी है, लाइफ स्टाइल सही बनानी है, अपने आप को बड़ा करना है, वयस्क करना है, समझदार बनाना है, ये सारी चीज़ें उसका भाग है। लाइफ और लाइफ को समझना इतना आसान काम नहीं है। दुनिया के प्रत्येक जीव को लाइफ के बारे में समझने के लिए पैदा होने से लेकर के मर जाने तक की तमाम बातें सोचते समझते हुए चलना पड़ता है, तब भी लाइफ स्टाइल के बारे में कोई इंसान समझ नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति गाली बक रहा है, अपन प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे थे, कोई व्यक्ति गाली बकता है तो अपन इस बात से या इस चीज़ को सुनकर ये कभी साबित नहीं कर सकते हैं कि गाली बकने वाला व्यक्ति या गाली सुन रहा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसको गाली बकी जा रही है या गाली दी जा रही है, ये बुरे लोग या अच्छे लोग, कोई साबित नहीं कर सकते। क्योंकि हम संदर्भों को समझते नहीं ऐसी सिचुएशन, कोई इंसान कोई कृत्य क्यों कर रहा है। अब कोई इंसान बोलता है कि यार तुम गालियां बकते हो, जानवर हो, जानवर जैसी प्रवृत्ति है तुम्हारी, गालियां बक रहे। परंतु जानवर शब्द से अगर मैं डिफाइन करूं, जानवर तो गाली नहीं बकता, मगर वो गाली बकने वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा हिंसक होता है। आप किसी जंगल में जाएंगे, किसी जंगली जानवर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको गाली नहीं बकेगा, चीर फाड़ डालेगा तुरंत, वो उससे भी ज़्यादा असभ्य होगा। तो आप ये कभी, परंतु क्या वो ऐसा सही है या गलत है, वो अपने बिहेवियर के हिसाब से काम करता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, आपको किसी व्यक्ति को ढूंढना है, अब डिपेंड करती है बात कि आप उसको ढूंढ कहाँ रहे हो। आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हो, वहां पर जाके जोर जोर से चिल्ला चोट करोगे तो कैसे मिल जाएगा जिसे ढूंढा जा रहा है वो, नहीं। परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं आप किस माहौल में क्या कार्य कर रहे हो, लाइफ स्टाइल इसके तहत। अगर आप जंगल में हो और आपको किसी को ढूंढना है तो आप तेज तेज से चिल्ला चिल्ला करके ढूंढ रहे हो तो समझ में आता है कि सही कार्य कर रहे हो। आप सिविल सोसाइटी में जी रहे हो तो आप चिट्ठी पत्री या किसी व्यक्ति से पूछताछ करके पता करते हुए चल रहे हो तो बात समझ में आती है कि आप किसी का पता कर रहे हैं।
अब अगर आप इस चीज को रिवर्स कर दोगे, जंगल में खामोशी से ढूंढोगे और सिविल सोसाइटी में ढिंडोरा पीटोगे और तेज तेज चिल्लाओगे, तो गवर्नमेंट इसको सही नहीं मानेगी, गवर्नमेंट पकड़ के आपको जेल में डाल देगी। बोलिए कोई तरीका होता है? तो ये तमाम बातें आती हैं लाइफ स्टाइल के तहत कि हम किस सिचुएशन को लाइफ स्टाइल कहें। लाइफ जंगल में भी होती है, कंक्रीट के बने घर वाले जंगल में भी होती है, कंक्रीट के बने वाले जो सिविलाइज सोसाइटी है जिसे हम कंक्रीट का जंगल कहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग, उसमें भी होती है। तो लाइफ स्टाइल कैसे बने? एक बीटल होता है, बीटल अपना घर खुद बनाता है, जबकि वो एक ऐसा बुद्धिजीवी नहीं माना जाता, वो एक जीव माना जाता है सिर्फ। शेर गुफाओं में रहता है, वो एक जीव माना जाता है, बुद्धिजीवी नहीं माना जाता। एक हाथी होता है, वो जंगल में रहता है, बुद्धिजीवी नहीं माना जाता। तो हम लाइफ स्टाइल कैसे बनाएं, कैसे समझें कि एक व्यक्ति लाइफ स्टाइल में किस, एक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को हम कैसे डिफाइन करें? ये तमाम सवाल अपने दिमाग में पैदा होते हैं और ये पैदा होना शुरू हो जाता है जब जैसे ही अपन जन्म लेते हैं तब। किसी भी बच्चे को आपने देखा होगा, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला काम वो यही करता है कि देखता है, सुनता है, बोलता है, बोलने की कोशिश करता है। ये तमाम कार्य करने के पहले वो बच्चा समझने की कोशिश करता है कि मेरे सामने क्या चल रहा, क्या घटित हो रहा। जब उसको चीज अपने हिसाब से समझ में आती है कि क्या हो रहा है, उसके बाद वो कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कोई बच्चा पैदा हुआ, उसने अपने माता पिता को शुरुआत में झगड़ा करते देखा, सबसे शुरू में, तो उस बच्चे को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है मेरे सामने। उसके सामने सारी चीज नेचुरली लगेगी कि ऐसा ही होता होगा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, ब्लैंक है एकदम। तो पहले समझने की कोशिश करता है वो बच्चा कि ये चल क्या रहा है। उसके लिए वो कई बार उस घटना को रिकॉल करता है, जिस टाइप की एक सिचुएशन उसने लाइफ में पहली बार देखी है, उसी टाइप की सिचुएशन जब वो बार बार देखता है, तब जाके उसको समझ में आता है कि करना क्या और इस चीज को कहते क्या। एक बच्चा पैदा हुआ, वो अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देख रहा था, उस दिन लड़ाई हुई, उसने कुछ नहीं सोचा, होगा कुछ। उसने 8 दिन बाद फिर वही झगड़ा होते थे, उसने तब भी ज्यादा गौर नहीं किया, शायद ऐसे ही चलता हुआ। मगर फिर किसी ने उसको ये बताया, ये समझाया अलग तरीके से, ये झगड़ा हो रहा है, इसे सही नहीं माना जाता, तब उस बच्चे को समझ में आया कि यार इसे झगड़ा कहते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित किया। तो अगर लाइफ स्टाइल को समझना है, लाइफ को सही बनाना है, तो अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित करना जरूरी है। और बुद्धिमत्ता विकसित होती है परिष्कृत करने से, और बुद्धिमत्ता परिष्कृत होती है ऑब्जर्वेशन से। कोई भी बच्चा अपनी बुद्धि को परिष्कृत करता है ऑब्जर्वेशन करके, मतलब देख करके। सबसे पहले काम कोई भी व्यक्ति देखने का करता है और सुनने का करता है। बोलने की क्रिया सबसे बाद में आती है, हो सकता है बोलने की नौबत ही न पड़े। तो कोई भी बच्चा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करने का काम करता है। तो किसी भी व्यक्ति को लाइफ स्टाइल सही बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ही लाइफ को देखना आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए अपनी ही लाइफ के बारे में। और उसका एकमात्र तरीका है कि स्वयं से बातचीत करना, स्वयं की लाइफ स्टाइल को समझना। किसी और की लाइफ स्टाइल को समझने जाओगे तो जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। स्वयं की लाइफ स्टाइल को समझने की कोशिश करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप डे शिफ्ट में काम करते हो, दिनचर्या आपकी डे की है, सुबह 6 बजे उठते हो, 12 बजे तक सारे काम करते हो, घरेलू 12 बजे के बाद जाते हो, नौकरी पानी करते हो, रात में 8 बजे आते हो, खाना पीना खाते हो, सो जाते हो। ये आपकी एक लाइफ स्टाइल बन गई। घर पे हो तो घर पे कैसे सादे कपड़े पहन लेते हो, परंतु जैसे ही कहीं बाहर जाना है तो थोड़ा नहा धो करके फ्रेश होकर के एकदम फ्रेश कपड़े पहनते हो, नए कपड़े पहनते हो और फिर जाते हो। कुछ लोग 24 घंटे नए कपड़े पहने रहते हैं, कुछ लोग 24 घंटे में 2-3 बार नहा लेते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल किसी और की देखा देखी है। स्वयं हम किस तरीके से जीना पसंद करते हैं ये डिपेंड करता है।
तो कुछ लोग ऐसे दिनचर्या में जीते हैं, कुछ लोग रात्रिचर्या में जीते हैं। रात को 12 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद फिर सुबह 6-12 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, फिर रात में उठ रहे हैं। तो ये एक उनकी लाइफ स्टाइल बन गई और वो उसी को पसंद करते हैं, उसमें वो जी रहे हैं। तो सभी व्यक्ति 24 घंटे मिले, सब व्यक्ति को, सभी जीवों को 24 घंटे मिले हैं। उन्हीं 24 घंटे में आप किस घंटे को किस कार्य के लिए देना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 बजे उठना चाहते हो रात में, 1 बजे उठो। आप सुबह 1 बजे उठना चाहते हो, सुबह 1 बजे उठो। आप रात में 1 बजे खाना खाना चाहते हो, वैसा करो। सुबह 1 बजे खाना खाना चाहते हो, वैसा कर लो। परंतु उसका परिणाम क्या है ये डिपेंड करता है। आप यदि किसी लाइफ स्टाइल को अपना करके बीमार बने हुए तो वो लाइफ स्टाइल नहीं कहलाती। परंतु यदि आप किसी लाइफ स्टाइल को अपना करके स्वस्थ हो तो उसे लाइफ स्टाइल कहेंगे। एक पैटर्न कहेंगे लाइफ को जीने का। पुराने ज़माने में जो अतीत का है, आदि मानवों का ज़माना था, होमो सेपियंस का ज़माना था, उसमें कुछ भी होता था। कोई कभी भी जा रहा है, कभी भी शिकार कर रहा है, कभी भी खाना खा रहा है, कभी भी सो रहा है, कभी भी कुछ भी कर रहा है। उनके इसमें एक लाइफ स्टाइल नहीं, वो उनको जब चाहे तब भूख लग जाती थी, जब चाहे तब सो जाते, जब चाहे तब कुछ भी कर लेते। जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ा तो उन्होंने बुद्धिमत्ता विकसित की, एक टाइम टेबल बनाया, दिनचर्या का हो चाहे रात की चर्या का। अब जानवरों से ही देखें, विकास क्रम में जीव समूह को जब ये समझ में आया कि हम ऐसे जीव हैं जो दिन में अच्छे से कार्य करते हैं, तो ऐसे तमाम जीव दिनचर्या की दिन वाली लाइफ स्टाइल बना लिए। टाइम लगा काफी, परंतु उन जीवों ने उस लाइफ स्टाइल को अपना लिया। कुछ जीव ऐसे थे जो दिन में सही कार्य नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने रात में अपना कार्य किया, जैसे चमगादड़, उल्लू, इस टाइप की जितने भी जीव हैं, है ना, और भी कई सारे जीव हैं, शेर, ये कई सारे जीव हैं जो नाइट स्टाइल पसंद करने लगे। गाय हुआ, घोड़ा हुआ, ना हाथी हुआ, ये सब दिन वाली लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, शाकाहारी है। कुछ जीव शाकाहारी हैं और बाकी के कुछ जीव मांसाहारी हैं। जिस इंसान को जिस तरीके से लाइफ जीना आसान लगा, लाइफ में स्वस्थ रहना और स्वस्थ रहने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना जिस तरीके से सही लगा, उन्होंने उस चीज को अपना लिया। और उसको अपनाने की वजह से उनका बिहेवियर, उनका अस्तित्व उसी तरीके का हो गया। आपका और उन चीजों का अवलोकन करने वाले जीव, जैसे कि हमने क्या कहा, चमगादड़ रात में कार्य करती है, उल्लू रात में कार्य करता है ना, क्योंकि इनको रात में अच्छे से दिखाई देता है। इसीलिए इंसान दिन में और रात में दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, ये जितने भी जीव हैं वो दिन में कार्य करते हैं, रात में आराम करते हैं। लाइफ स्टाइल अलग अलग है, तो लाइफ को सही कैसे बनाएं, इस बात पर डिबेट बहुत हुई है। कईयों ने कई सुझाव दिए हैं, परंतु उसका एक मूल सार तत्व यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल अपने स्वयं के शरीर, स्वयं की बुद्धिमत्ता, स्वयं के ऑब्जर्वेशन, स्वयं की सोच और स्वयं का किसी कार्य को अप्लाई करने का तरीका, इन चीज़ों पर निर्भर करती है। कोई दो व्यक्ति एक जैसी लाइफ स्टाइल में कभी नहीं रहते। अगर रहते हैं तो फिर वो सिविलाइज्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब है, आपने आर्मी को देखा होगा, आर्मी का प्रत्येक जवान एक जैसी लाइफ स्टाइल बनाता है, पुलिस का प्रत्येक इंसान एक जैसी लाइफ स्टाइल बनाता है। परंतु सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम आएंगे तो हम ये देखेंगे कि सभी की लाइफ स्टाइल एक जैसी नहीं है, सबकी लाइफ स्टाइल में अंतर, सबके कार्य करने के तरीकों में अंतर है, सबके कार्य अलग अलग है, सबका रहन सहन अलग है, सबकी वेशभूषा अलग है, सबकी बोलचाल की भाषा अलग है, सभी लोगों का खान पान अलग है। और इन चीजों की हम कॉपी नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि यार बिल गेट्स 5 बजे उठता है और खाना पीना ये खाता है, इटालियन फूड खाता है, और फिर उसके बाद फिर अपने ऑफिस पे जाता है, तो ऑफिस में रहता है, फिर वहाँ फलानी की ग्रीन टी पीता है, और फिर शाम को आता है तो एक्सरसाइज करता है, और फिर उसके बाद भोजन वगैरह करता है, और फिर उसके बाद सो जाता है, और ये उसकी लाइफ स्टाइल है और ये हम अपना रहे हैं।
तो बिल गेट्स अगर ये कर रहा है तो वो उसकी लाइफ स्टाइल उस पर सही असर करेगी, परंतु आप अगर उसकी तरह नकल मारोगे या आप उसकी तरह बिहेव करोगे या जीने की कोशिश करोगे तो शायद आपके ऊपर वो चीज़ असर न करे, क्योंकि अंतर आ जाता है। शरीर का अंतर है पहला तो ये। बिल गेट्स के शरीर की ग्रंथियाँ किस तरीके से कार्य कर रही हैं, जरूरी नहीं कि आपके शरीर की ग्रंथियाँ भी वैसे ही कार्य कर रही हैं, इसीलिए अंतर आएगा ही लाइफ स्टाइल को जीने में, बनाने में, मेंटेन करने में। तो लाइफ स्टाइल को सही बनाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहली बात, इंसान की बेसिक प्रायोरिटी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, वस्त्र और रहने के लिए छत। सबसे पहले अपना खान पान सही होना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की वजह से शरीर सही रहेगा, और शरीर सही रहेगा तभी आप कोई भी कार्य सही तरीके से कर पाओगे। तो सबसे पहले खान पान सही। अब कुछ लोग बोलते हैं खान पान कैसे सही, शाकाहारी करें, मांसाहारी करें, कुछ भी कर सकते हो, परंतु अति नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा शाकाहार करोगे तो भी समस्या पैदा होगी लाइफ में, जरूरत से ज्यादा मांसाहार करोगे तो भी समस्या पैदा होगी लाइफ में, जरूरत से ज्यादा शराब पियोगे तो भी समस्या होगी लाइफ में, जरूरत से कम शराब पियोगे तो भी समस्या होगी लाइफ में। जरूरत पूरी करने लायक कार्य करना जरूरी है। शरीर की डिमांड है कि पंच महाभूतों से शरीर बना है, उन पांचों तत्वों की डिमांड पूरी होते रहना चाहिए। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये शरीर को चाहिए और रोज मिलने चाहिए, और सही अनुपात में सही तरीके से मिलना चाहिए, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ये बचपन से सबने सीखा परंतु अप्लाई नहीं कर पाते, बुद्धि अड़ जाती है, सोच अड़ जाती है, कहीं ना कहीं हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए पहले सोच विचार करना पड़ता है। अब भोजन कैसे करें, कितना करें, क्या करें, सोच विचार करें, परंतु सोच विचार करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। सबसे पहले अपन स्वास्थ्य को बनाते हैं, बुद्धिमत्ता विकसित करना, परिष्कृत करना, ये सब तो बात की बात। सबसे पहले अपना शरीर, सही भोजन, चाहे अब लोग बोलते हैं शराब बेकार चीज़ होती है, शराब बेकार चीज़ नहीं होती है, उसको ग्रहण करने का तरीका गलत हो तो बेकार होती है। जरूरत से ज़्यादा भोजन करते जाओगे तो वो भी हानिकारक है, शराब से ज़्यादा हानिकारक। आप पत्ते खा लो, पेड़ पौधों को, शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी, परंतु जरूरत से ज़्यादा खा लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि बॉडी बचा ही नहीं पाएगी। ये होता है, सबके साथ थोड़ी हो सकता है। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, जरूरी नहीं आप भी कर पाओगे। इस दुनिया में ऐसे कई साधक मौजूद हैं, ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो सिर्फ पत्ते खाते हैं, परंतु उनकी तुलना में अगर बाकी सब भी पत्ते खाने लगे तो जी नहीं पाते, मर जाते। वो व्यक्ति अगर उस कार्य को करके जिंदा है, स्वस्थ है, सही है, तो वो उसकी लाइफ स्टाइल है, आपकी नहीं। आपको अगर वैसा बनना है तो पहले उस लेवल तक आना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई अमीर इंसान है, वो 10,000 रुपये एक सेकंड में खर्चा कर देता सिर्फ चाय पीने के लिए, परंतु एक गरीब व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कर सकता। यदि वो भी ऐसा करने जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे अपराध होगा ही, कहीं ना कहीं गलती करेगा ही लाइफ में, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास 10,000 रुपये पूरे साल में आ रहे हैं, वो पूरी जिंदगी का अपना साल चलाता है 10,000 में, महीना चलाता है 10,000 में, परंतु एक अमीर आदमी एक सेकंड में 10,000 कमा रहा है, वो खर्चा भी कर देता है। तो लाइफ स्टाइल में अंतर है चीज़ों के। कभी भी किसी की नकल न मारें। दूसरी बात, स्वास्थ्य का ध्यान दें। स्वास्थ्य बनता है भोजन से, भोजन संतुलित होना चाहिए, सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होने ही चाहिए। अपने लाइफ के जो बिहेवियर है, जो व्यवहारात्मक अपन करते हैं उसके अंदर, कुछ लोग उपवास करते हैं, उपवास करना भी जरूरी। आप साल के 365 दिन खाना खाते हो, 2-4 दिन उपवास भी रह लेते हो साल में, तो एक टाइम टेबल, एक सारी चीज़ें जरूरी है, क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी टाइम में नहीं बांधा जा सकता, टाइम टेबल में आप नहीं बांध सकते। बांध के रख लेते हैं वो एक अलग बात, वो अपनी मेहनत, परंतु लाइफ को अगर वास्तव में समझना है तो किसी बंधन में नहीं रहती लाइफ।
वरना ये धरती के ऊपर जो लाइफ निर्मित हुई है उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। बस वो खतरनाक चीज़ हम लोगों ने साध ली है, हमने इस बिहेवियर इस माहौल को समझ लिया है, इसीलिए हम यहाँ जिंदा रह पा रहे हैं। अनुकूलन स्थापित कर लिया है हमने, इसलिए हम जिंदा रह पा रहे हैं। भोजन शाकाहार अगर आपको पहले आप करते हैं, सभी लोग सभी तरीके का भोजन करते हैं, परंतु वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि किस टाइप का भोजन हमें किस टाइप की हानि पहुंचा रहा है। अगर वो इस बात पर गौर करेंगे कि फलाना खाना खाने की वजह से मुझे बीमारी हुई है, उसकी वजह से मैं बीमार हो गया, तो वो उसको बदल देंगे और लाइफ स्टाइल सुधर जाएगी। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति शराब ज्यादा पीता है, वो कहता है मैं स्वस्थ नहीं। शराब ज्यादा पी रहा है कहाँ से स्वस्थ रहेगा? आपके शरीर दो पैग मांगते हैं सिर्फ। आपका शरीर कह रहा है कि आपका आपकी बॉडी सिर्फ दो पैग में संतुलित रहेगी, परंतु आप दो बोतल पी रहे हो पूरी की पूरी और ऊपर से भोजन नहीं कर रहे, तो आपका शरीर फिर बेकार हो जाएगा। क्योंकि खासे प्रयोग अलग होते हैं, परंतु एक साधारण सामने सौम्य लाइफ जो होती है वो एक अलग मामला होता है। भोजन से स्वस्थ शरीर रहेगा तो क्या होगा? शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो विचार सही बने। भोजन आपने सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भोजन खाने से आपकी ग्रंथियाँ बनेंगी, ग्रंथियों से सही रस का प्रोड्यूस हो, मतलब प्रोडक्शन होगा, सही हार्मोनल एक्टिविटी प्रोड्यूस होगी तो सही आवेश बनेंगे, सही आवेश बनेंगे तो वो सही कार्य करेगा दिमाग में, और सही कार्य दिमाग में सही आवेश सही तरीके से चलेंगे तो आपके विचार भी सही बनेंगे, लॉजिक सही बनेंगे। यदि आपकी ग्रंथि गलत तरीके से एक्टिवेट की गई है, गलत हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, तो शरीर में आवेश भी आवेश की मात्रा भी गलत तरीके से जाएगी, और ऐसा होने पर आपका शरीर सही कार्य नहीं कर पाएगा। लोग बोलते हैं हमें हेडेक है, वो हेडेक इसलिए है क्योंकि आपने खाना खाया गलत, उसकी वजह से पेट हो गया खराब। पेट खराब होने की वजह से शरीर में जो ऊर्जा बनी वो गलत तरीके की बनी, आपको पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए थी, वहाँ नेगेटिव ऊर्जा बन गई। वो नेगेटिव ऊर्जा जब आवेश नेगेटिव आवेश आपके दिमाग में गया हार्मोनल एक्टिविटी के जरिए और न्यूरॉन सिस्टम को नेगेटिविटी प्रोवाइड कराई, उस नेगेटिविटी की आवश्यकता थी ही नहीं हार्मोन्स को, वो तो पेट खराब होने की वजह से बनी ना, जरूरत तो पॉजिटिविटी की थी, तो वो नेगेटिविटी अब कहाँ कंट्रोल होगी आपकी बॉडी में? उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई साधन ही नहीं बचा, तो वो एक्स्ट्रा चीज आपके बॉडी में घूम रही है अब आवेश, वो एक्स्ट्रा आवेश जो नेगेटिव वाला पैदा हुआ है वो घूम रहा है ब्लड में हार्मोनल एक्टिविटी के जरिए, वही चीज समस्या पैदा कर रहा है। फिर आप सोचने के लिए बैठे तो वहां ब्लड गया और नेगेटिव आवेश लेके गया, अब आप सोचने बैठे हो तो वहां नेगेटिविटी की आवश्यकता है ही नहीं, वहां पर नेगेटिविटी जा रही है, तो आपकी सोच विचार क्या हो जाएगा? परिणाम बदल देगा। वो आवेश जो सही तर्क सोचने की वजह से पैदा होते, अब वो इस नेगेटिव आवेश की वजह से नहीं पैदा हो पाएंगे, तो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बुद्धिमत्ता विकसित कैसे होगी, परिष्कृत कैसे होगी? परिष्कृत होगी ऑब्जर्वेशन से, विकसित होगी शरीर स्वस्थ रहेगा, सही तरीके से भोजन चलेगा, उसके बाद सही विचार बनेंगे। अब सही विचार बनाने के लिए एक तरीका और भी, भाषा का सही इस्तेमाल, सही उच्चारण। जैसा कि मैंने कहा आपको अभी उदाहरण दिया कि आप अगर किसी को गाली बक रहे हो, आप यदि किसी को गाली बक रहे हो और उसकी वजह से आवेश में आ गए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को गाली बक रहे हो तो आप तो आवेश में हो ही, उसकी वजह से वो भी आवेश में आ गया तो आप लड़ भी लोगे। तो भाषा पहली बात, लाइफस्टाइल को सही बनाने के लिए, खुद को तो नुकसान, किसी और को तो नुकसान पहुंचाती है वो चीज़, खुद को भी नुकसान पहुंचाती है, तो गालियाँ या नेगेटिव थॉट सोचने से किसी का भला नहीं होता, कभी खुद का भी बुरा होता ही है, सामने वाले का तो बुरा होता ही है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपन को गाली बक रहा है, अपने बॉडी में आवेश पैदा हो गया, जबकि अपन नहीं चाह रहे कि अपनी बॉडी में आवेश पैदा, तो ये अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण न रखने की वजह से, स्वयं की ग्रंथियां, स्वयं का दिमाग, स्वयं के हार्मोनल एक्टिविटी पर नियंत्रण रखने की वजह से
बहुत सही कार्य करता। अगर नियंत्रण नहीं रहता है तो हम किसी के गाली बजने पर आवेशित हो जाते हैं और लड़ने होने लगते हैं। इसे एक व्यक्ति ने एक अच्छी बात कही थी, गुस्सा मुझे कब करना है ये मैं डिसाइड करूँ, कोई और नहीं। गुस्सा मुझे कब करना है ये मैं डिसाइड करूँ, कोई गाली बजने वाला व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे गुस्सा कब करना है। तो भाषा का बिल्कुल सही उपयोग करना चाहिए, सही इस्तेमाल। गाली अगर कोई भाषा नहीं होती, आप सही शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो सही आवेश पैदा होंगे, और सही आवेश पैदा होंगे तो सही विचार बनेंगे। वहां पर फिर नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। आप एक शब्द सही बोल रहे हो तो उसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और दिमाग को ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन धनात्मक आयन होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। अर्थात आपके दिमाग को अगर कोई भी चीज चाहिए तो उसको धनात्मक चीज ही चाहिए, ऋणात्मक चीज नहीं चाहिए। बॉडी में पैदा दिमाग के अंदर एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का मेन काम यही होता है कि शरीर की तमाम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, क्योंकि दिमाग को पॉजिटिव चीजें ही चाहिए पड़ती हैं, नेगेटिव चीज दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए भोजन, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, बातचीत, बोलचाल की भाषा, भाषा में शब्दों का उच्चारण, शब्द संज्ञा, इन तमाम चीज़ों पर साधना करनी पड़ती है। बचपन से स्कूल में जाते हैं, यही काय के लिए जाते हैं, इसीलिए जाते हैं। बचपन से स्कूल हम इन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए जाते हैं, ताकि हमें बाद में न सीखना पड़े। ऐसा व्यक्ति जो स्कूल नहीं गया वो भी कमाई धमाई कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो स्कूल जाता था वो भी कमाई धमाई करता एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। परंतु दोनों में अंतर ये है कि जो बच्चा स्कूल गया था वो अपनी बुद्धिमत्ता से, लोगों ने जो रिसर्च कर रखी है उन बातों को सोच समझ करके डिसीजन कर रहा है, जबकि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्कूल नहीं गया था वो बिना सोचे समझे डिसीजन करता है। कभी कभार इन दोनों के डिसीजन सही साबित हो जाते हैं, कभी कभार इन दोनों ही व्यक्तियों के डिसीजन गलत साबित हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति हमेशा सही ही होगा, गलत भी हो ही जाता है, क्योंकि अच्छाई और बुराई एक ही शरीर के अंदर रहती है और साथ में रहती है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों शरीर के अंदर रहती है, साथ में रहती है, उसको कन्वर्ट करने का काम शरीर की ग्रंथि करती है। कन्वर्जन करते हैं तब लाइफस्टाइल मेंटेन रहती है। तो भोजन सही होगा, सही ग्रंथियां बनेंगी, सही रसावधान होगा, सही हार्मोनल एक्टिविटी होने की वजह से सही आवेश पैदा होंगे, और उसके साथ में अगर आप मिक्स करोगे सही भाषा को सही तरीके से उच्चारित करने का, तो सही आवेश सही तरीके से कार्य करेंगे और दिमाग सही चलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से लाइफस्टाइल सही बनेगी। आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे, सही तरीके से ऑब्जर्व करने की वजह से क्या होगा, सही डिसीजन कर पाओगे, सही डिसीजन करने की वजह से वही सही निष्कर्ष आपको सही लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराएंगे। हमारा डिसीजन ही गलत हो जाता है। देख रहे हैं कि सुबह के 6 बज रहे हैं, सूर्य उगने वाला है, परंतु हम ये सोच रहे हैं कि यार अभी सो जाते हैं। नेगेटिविटी हावी हो गई बॉडी पे, कन्वर्जन नहीं हो पाया। अब हम ये कह रहे हैं कि यार हम इतना कुछ करते हैं, हम सुबह 6 बजे उठते हैं, हम सुबह 8 बजे उठते हैं, फिर भी हम ठीक नहीं रह पा रहे। क्योंकि जब 6 बजे उठना था आपको, तो आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, कहाँ से ठीक रह पाओगे। आपका शरीर कह रहा है कि 6 बजे उठो, पर आपने अपने दिमाग पर नेगेटिविटी हावी कर ली, और नेगेटिविटी की वजह से परिणाम गलत हो गए, और परिणाम की वजह से लाइफस्टाइल गलत हो गई। आप कह रहे हो कि यार मुझे रात में पढ़ाई करता हूँ तो मुझे रात में चीज़ें चाहिए संसाधन, परंतु वो होंगे नहीं, तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। भोजन वगैरह रात में करना पड़ेगा आपको, तो वो तमाम चीज़ें जिसकी जब जरूरत पड़ती है तब अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करा रहे हो तो लाइफस्टाइल थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो बेसिक चीज यही है। अब गलत व्यसनों में नहीं पड़ना चाहिए, हम अधिकांश टाइम गलत व्यसन में पड़ जाते हैं, सिगरेट जरूरत से ज्यादा पीते हैं,
सिगरेट को तो सिंबल बना लिया है, सिगरेट जो बना लिया है सिंबल ही बना लिया स्टेटस सिगरेट, मतलब हम स्टेटस बना लिया हमारा मान सम्मान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम दारू को शराब को इन लोगों ने स्टेटस बना दिया, कुछ लोगों ने शराब हम पीते हैं पहनते हैं, दो कैद में क्या होता है हमसे दो बोतलें पी जाते हैं, लोग का डायलॉग क्या मारते हैं हम दो खंभे पी जाते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये कोई स्टेटस सिंबल सिगरेट पीते हैं तो हमारा मान सम्मान होना चाहिए, हम दारू पीते हैं इसलिए मान सम्मान होना चाहिए, हमारी बॉडी सिगरेट और शराब को पचा लेती है इसलिए हमारा मान सम्मान ज़्यादा होना चाहिए, ये सब बेतुकी बात है, क्योंकि आप जो सिगरेट और शराब पचा रहे हो आपको अगर मैं चार पत्ते खाने के लिए दे दूँगा एक वो चार पत्ते आपकी बॉडी नहीं पचा पाएगी, ये साधना का विषय सोच विचार का विषय, तो अपन को सबसे पहले व्यसनों में नहीं पड़ना, दिनचर्या का पालन बिल्कुल ठीक करना है, फिर हॉबीज आपकी लाइफ स्टाइल में हॉबीज क्या हैं, सही हॉबीज होना ज़रूरी, क्योंकि अपनी हॉबीज़ जो है वो सही अगर नहीं होंगी तो बॉडी की गतिमान जो ऊर्जा है वो सही नहीं रह पाएगी, लाइफस्टाइल के साथ साथ जीवन में सोच विचार के साथ साथ सही खान पान के साथ साथ सही आवेश ऊर्जा के धारण करने के साथ साथ सही विचारों के साथ साथ सही भाषा का उच्चारण करने के साथ साथ हमें हॉबीज पर भी ध्यान देना है, कई अमूमन 90% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई हॉबीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते, सुबह उठते हैं खाते हैं पीते हैं नौकरी करते हैं पैसे कमाते हैं शाम को खाते पीते हैं सो जाते हैं, यही लाइफ स्टाइल है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम हॉबीज नहीं है, क्रिकेट खेलना फुटबॉल खेलना बास्केटबॉल खेलना ये तमाम चीज़ें हॉबीज में आती हैं, घर में झाड़ू लगाना घर में पोछा लगाना ये सब हॉबीज में आता है, घर के बर्तन साफ करना ये हॉबीज में आता है, आपने कम से कम इंडिया में तो अमूमन आपने ये देखा होगा कि एक महिला ही बर्तन धोएगी एक महिला ही कपड़े धोएगी एक महिला ही सारे कार्य करेगी, और आदमी को देखा होगा कि वो हमेशा सिर्फ ड्यूटी जाएगा नौकरी करने जाएगा और नौकरी से घर पे आएगा बस, एक्स्ट्रा कोई हॉबीज नहीं होती, और ये हॉबीज कहाँ से लिए उन्होंने किसानों से या ग्रामीण परंपरा से, वहां पर आदमी खेती करने जाता था महिलाएं घर में ये सारे कार्य करती, एग्जैक्ट वही चीज उठा ली कॉपी कर ली, परंतु ये सिविलाइज्ड सोसाइटी जहां हम रह रहे हैं ग्रामीण कल्चर नहीं है शहरी मामला, यहां पर वो लाइफ स्टाइल सफल नहीं हो पाई, यहां पर आदमी और औरतों को दोनों को एक साथ एक ही टाइप के हॉबीज को पालन करना पड़ता वरना वर्क लोड ओवर हो जाता, अगर आप घर के तमाम कार्य महिलाओं के सुपुर्द कर दोगे तो उसके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा, घर के तमाम कार्य आप पुरुष के ऊपर डाल दोगे तो उसके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि आजकल महिलाएं और पुरुष दोनों ही नौकरी करते हैं घर संभालते हैं, ग्रामीण परिस्थितियों में भी यही जो पौराणिक ग्रामीण परिस्थितियाँ हैं उसके अंदर भी यही महिलाएं और पुरुष दोनों खेत में काम करते हैं परंतु उसके अलावा घर के सारे काम महिलाएं करेंगी तो उनके ओवरलोड हो जाएगा लाइफ स्टाइल बिगड़ जाएगी, तो कार्यों का संतुलन होना जरूरी है अपने लाइफ में, एक घर चलाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट दो लोगों की पति और पत्नी, इन दोनों को ही प्रत्येक कार्य करते आना चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति को पति और पत्नी कहा जाता है, कि घर के तमाम कार्य घर के तमाम घरेलू कार्य और बाहरी कार्य दोनों को एक जैसे तरीके से आते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को समस्या पैदा होती है तो दूसरा व्यक्ति उस जगह को ले लेता है और कार्य कर देता है, तो घर गृहस्थी चलते रहती है, ये रेसिडेंशियल वर्क है, हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले थे प्रोफेशनल कार्य और रेसिडेंशियल कार्य के बारे में, लाइफ स्टाइल क्या है, तो यह है रेसिडेंशियल वर्क, यहाँ पर हमारा प्रोफेशनल वर्क यही है, घर में भी प्रोफेशन की आवश्यकता पड़ती है घर में भी प्रोफेशनल होने की जरूरत पड़ती है, प्रोफेशनल कार्य यहाँ पर यही है कि पति और पत्नी के बीच जो संबंध है उसमें प्रोफेशनलिज्म भी हो, वो कैसे, पत्नी की तबीयत खराब हो गई बाई चांस मान लो
तो पति झाड़ू लगा रहा है, पति बर्तन धो रहा है, पति कपड़े धो रहा है, घर का काम भी कर रहा है साथ में, वो गलत कार्य नहीं है। परंतु यदि पति मारा पीटी करने लगे अपनी पत्नी के साथ कि यार तुम्हारी तबीयत खराब है, वो तो सब ठीक है, पर तुमने घर के काम क्यों नहीं किए, तो एक बेवकूफाना तरीका है, उससे उसकी लाइफ स्टाइल का सत्यानाश होगा ही, पति का भी और पत्नी का भी। ये एक बेतु की बात है। तो हमें करना ये चाहिए कि दिमाग स्थिर रखते हुए कार्य का बंटवारा करके तो कार्य करते ही हैं, परंतु किसी खास परिस्थिति में अलग तरीके से भी कार्य करते आना चाहिए। और उसके लिए ये तमाम बातें जो हमने कही, उसका सही तरीके से सही होना जरूरी है, ये कार्य रहता है। तो किसी भी तरीके से हम ये कहें कि स्वयं की समझ को बढ़ाना है, स्वयं की लाइफस्टाइल सही करनी है, स्वयं के रहन सहन को सही करना है, स्वयं की हॉबीज ठीक रखनी है, तो एक क्रम होता है, प्रक्रम होता है, उसको हम कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले सही भोजन, सही रहन सहन, सही भाषा, सही शिक्षा। यदि मैं कंक्लूड करूं इसको एक चीज़ में, तो सबसे पहले ये कहूँगा कि सही भोजन करें। सही भोजन से सही शरीर बनेगा, सही शरीर को आप ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के लिए आप शिक्षा सही धारण करें, सही शिक्षा धारण करने के साथ में आप जो शिक्षा धारण कर रहे हो उसका सही उच्चारण करो, सही प्रोनाउंस करो, सही भाषा में बोलो, ज़्यादा हाइपर मत हो, क्योंकि हाइपर होने से कोई लाभ नहीं किसी को। लोग अमूमन कोई गाली बकरा है, हम हाइपर हो गए, सामने वाले ने कुछ किया, हम हाइपर हो गए, जरा सा कोई नेगेटिव आवेश आया, हम हाइपर हो गए। लाइफ पहले से ही बहुत हाइपर है, अपनी लाइफ में पहले से ही बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव आवेश है, उसमें अगर अपन अतिरिक्त आवेश प्रदान करते हैं तो उसको कहते हैं कि हम हाइपर हो गए। इंसान 24 घंटे गुस्से में ही रहता है, परंतु चूंकि वो उस चीज का आदि हो गया है इसीलिए वो दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा और ज्यादा आवेश बढ़ता है तब जाके गुस्सा आता है उसको, और कहीं मारा पिटी, लड़ाई झगड़े, गाली गुस्सा, इस टाइप की चीजें हो रही होती। परंतु यदि एक संतुलित और सही व्यक्तित्व को देखना है तो किसी व्यक्ति को बेवजह आवेश आता ही नहीं, क्योंकि वो अपने आवेशों को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर को विकसित करके रखता है, सही भोजन करता है, सही शरीर रहता है। और सही शरीर रहता है इसका मतलब है कि जिस तरीके से इस प्रकृति में अनुकूलन के लिए उसकी आवश्यकता है, उसकी बॉडी बनी है, वो चीज़ उसके अंदर विद्यमान है, होती ही है, होगी ही, क्योंकि आपने सही भोजन किया है, सही शरीर बना है, उसकी वजह से सही विचार बने हैं, भाषाओं का प्रयोग किया है आपने, सही विचार बने हैं, सही भाषा सही तरीके से उच्चारण किए, विचार सही बने, परिणाम सही आए, कार्य सही हुए हैं, लाइफ स्टाइल सही हो जाएगी, लाइफ स्टाइल सही बनते चली जाती है। फिर से एक बार कंक्लूड करता हूं मैं इस बात को, सही दिनचर्या अपनाओगे, उसके बाद सही भोजन करोगे, सही शिक्षा धारण करोगे, उस शिक्षा का सही सदुपयोग करोगे, सही तरीके से सही कार्य करोगे, उसकी वजह से सही डिसीजन ले पाओगे, उसकी वजह से सही कार्य हो पाएंगे, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में सही परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और इन तमाम कार्यों का टुकड़ों में एक समग्र रूप क्या कहलाएगा कि आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई, आपकी लाइफ स्टाइल में सुधार हो गया, आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर बन गई, आप जैसा पहले महसूस करते थे वैसा अब आप महसूस नहीं करते हैं, आप उससे भी बेहतर महसूस करते हैं। इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल को सुधार करना। हम जिस तरीके से इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति रिसर्चर ही होता है अपनी लाइफ, वो व्यक्ति जो रिसर्च नहीं कर रहा अपनी लाइफ में वो व्यक्ति होता ही नहीं है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी रिसर्च करते हैं अपनी लाइफ में, तब जाके उन्होंने इस प्रकृति में अनुकूलन स्थापित किया अपने लिए। इसीलिए ऐसा जीव जो अपने लिए रिसर्च नहीं करता कभी, वो जीव कहलाता ही नहीं है, वो एकदम बुद्धिहीन व्यक्ति कहलाता है। इसलिए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को रिसर्च करना ही चाहिए,
क्योंकि वही रिसर्च आपको अनुकूलन प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ठंड कम पड़ती थी, हम स्वेटर पहनते थे, उसमें भी काम चल जाता था। प्रकृति का माहौल बदला, धीरे धीरे बदलाव हुए, ठंड ज्यादा बढ़ गई। दिसंबर के महीने में अब बहुत ज्यादा ठंड लगती है लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, स्वेटर के साथ साथ जैकेट, इनर, ढेर सारी युक्तियां बना ली। बुद्धिमत्ता रिसर्च और सोच विचार करने के कारण हुआ है और उसकी वजह से उनको सही परिणाम मिले हैं। आपने हमेशा ये देखा होगा कि चमक धमक हमेशा कहाँ आती है, जहाँ पॉजिटिविटी होती है। इसलिए अपने आप को हमेशा बुद्धिमत्ता से पॉजिटिव बना के रखने के लिए सही भोजन, सही स्वास्थ्य करना जरूरी है। अपना सही स्वास्थ्य रहेगा तो सही बुद्धि कार्य करेगी। स्वास्थ्य गलत रहता है तो बुद्धि कार्य नहीं करती सही से। सबसे पहले टाइम टेबल सुधारें अपना, फिर भोजन जो पहले करते थे वो अब करें न करें, इसके लिए पहले परिणाम जांच लें। भोजन के पर्यांत आपको अपने वेशभूषा के ऊपर ध्यान देना है। हमेशा स्वच्छ कपड़े पहने, धुले हुए कपड़े पहने। फिर आप अपने घर का वातावरण सही बना के रखें, घर में साफ सफाई रखें, घर के अंदर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, मतलब लड़ाई झगड़े वाला शोर शराबा ना हो। वैसे आप खूब चिल्ला चोट करें कोई दिक्कत नहीं, परंतु लड़ाई झगड़े वाला जिससे नेगेटिविटी आवेश पैदा हो जाए गलत तरीके से, ऐसी परिस्थितियां घर में ना बनें। उसी से लाइफ स्टाइल जब ये हो जाए तो इन तमाम चीज़ों का प्रभाव आप पे सही पड़ता चला जाएगा और आपकी लाइफ स्टाइल सही होते चली जाएगी। ये मैंने स्वयं के ऊपर प्रयोग कर लिए हैं कई मामलों में, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि और भी सुधार किए जा सकते हैं। अभी मैं जिस भी तरीके का दिख रहा हूँ वैसा दिखना नहीं चाहता, मैं उससे भी बेहतर दिखना चाहता हूँ। मैं अभी अपनी जिस तरह की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं उस तरीके का नहीं होना चाहता, मैं उससे भी बेहतर होना चाहता हूँ। यही एक मूल सिद्धांत है लाइफ का कि हम अतीत में जिस तरीके के थे हम वैसे ही रहे अगर, तो कोई लाइफ नहीं है, कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। यदि उसमें सुधार करके हम उसमें और ज्यादा बेहतर कर रहे हैं तो लाइफ स्टाइल है, वरना तो कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, उसको बुद्धिहीन व्यक्ति कहा जाता है। और क्योंकि अब नया साल आने वाला है तो अपनी बुद्धिमत्ता को परिष्कृत करते रहें, बुद्धिमत्ता को विकसित करते रहें। बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए ऑब्जर्वेशन सही करें, सही ऑब्जर्वेशन करके सही तर्क लगाएं, सही तर्क लगा के सही परिणाम निकालें, सही परिणाम से सही कार्य होगा। क्योंकि यदि मान लो एक फॉर्मूला देता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू सी, यदि आप नेगेटिविटी इसमें रखते हो तो परिणाम भी नेगेटिव ही आते हैं, अगर आप इसमें पॉजिटिविटी रखते हो तो परिणाम भी पॉजिटिव ही आते हैं। वो नेगेटिव परिणाम हर तरीके से गलत ही होता है, चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें धरती पर रह करके हम नेगेटिव परिणाम क्यों नहीं चाहते? नेगेटिव परिणाम रॉकेट साइंस में लगते हैं, -10 -9 -8, तो रॉकेट लॉन्च हो रहा है, रॉकेट का अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। क्योंकि धरती से वो इतने दूर जा रहा है, बनी बनाई प्रकृति से इतने दूर जा रहा है, इसलिए उसकी गिनती नेगेटिव में होती है। परंतु एक व्यक्ति को धरती पे ही रहना है, उसकी गिनती नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसकी गिनती नेगेटिव में हो गई तो वो आसमान में चला जाएगा और अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सब गतिमान है और विध्वंसक है। तो यदि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव गिनती रखते हो, नेगेटिव कार्य रखते हो, तो आपकी लाइफ विध्वंसक है, वरना तो पॉजिटिव है। और क्योंकि अब नया साल आने वाला है तो आप अपने लाइफ स्टाइल में किस तरीके के परिवर्तन चाहते हैं, इस बात पे सोच विचार करने के लिए आपके पास एक दिन है 31st का, उसके लिए आप सोच विचार करें और अपनी लाइफ स्टाइल बनाएं, सही करें, परिष्कृत करें, आगे बढ़ें। थैंक यू। और इसी तरह टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।